₹10 के सिक्के तो आप सबके पास होंगे, मगर इनमें कुछ सिक्के हैं जिनकी आपको मिल सकती है थोड़ी ज्यादा कीमत। तो देखते हैं वो कॉइन कौन से है। नोट और सिक्कों के बारे में सच्ची जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फिर दबाइए बेल बटन ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ₹10 के क्रॉस कॉइन्स के बारे में, यानी कि जिन कॉइन के ऊपर होता है क्रॉस सिंबल। तो दोस्तों ये जो कॉइन है वो 2005, 6 और 7 में इशू किए गए थे। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं और इनमें कौन से सिक्के रेयर। दोस्तों ये है ₹10 के कुछ सिक्के, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन सब पे क्रॉस सिंबल बनाया हुआ है, इसलिए हम इन सिक्कों को क्रॉस डिजाइन वाले कॉइन कहते हैं। ये हमारे पहले ₹10 के सिक्के थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए थे। इसमें अलग अलग डेट्स आती है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये है 2005 का सिक्का, ये है 2006 का, ये है 2007 का और बाकी तीन सिक्के जो है वो भी है 2006 के। ₹10 की सिक्कों की शुरुआत 2005 से सर्कुलेशन के लिए हुई थी। अगर हम देखें तो इस सिक्के का जो डायमीटर है, यानी कि ये जो साइज होती है वो है 27 mm की और हर सिक्के का वजन है 7.7 ग्राम्स। ये इंडिया का पहला बायोमेटल कॉइन था। बायोमेटल का मतलब होता है दो अलग अलग मेटल्स, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि जो सिक्का है दो अलग अलग मेटल से बनाया गया है और वो मेटल है निकल और ब्रॉन्ज। ये दो अलग अलग मेटल के रिंग्स है जो साथ में एक सिक्का बनता है और इसे हम कहते हैं बायोमेटल कॉइन। ₹10 का सिक्का इकलौता सिक्का है इंडिया का जो कि बायोमेटल में सर्कुलेशन के लिए इशू किया गया था। तो हम बात करते हैं कि सिक्के कितने रेयर है और आज की तारीख में इनकी कितनी कीमत है। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो तीन सिक्के आप देख रहे हैं, तीन अलग अलग डेट के सिक्के आप देख रहे हैं, 2005, 6 और ये 2007, ये तीनों ही सिक्के के नीचे आपको दिखेगा एक डॉट मार्क, ये देखिए। और ये डॉट मार्क इसलिए है क्योंकि ये तीनों सिक्के बनाए गए थे नोएडा मिंट में। ₹10 के शुरुआत के सारे सिक्के नोएडा मिंट में बनाए गए हैं, इसमें मुंबई मिंट, कलकत्ता मिंट या हैदराबाद मिंट ने इशू नहीं किया है। ₹10 के शुरुआत के जो भी आप सिक्के देख रहे हैं ये सारे के सारे नोएडा मिंट में बनाए गए हैं, देखिए। तो अब हम बात करते हैं रेरिटी की। इन तीनों डेट्स में सबसे कॉमन सिक्का है 2006 का। ये जो आप सिक्का देख रहे हैं 2006 का, ये सबसे कॉमन सिक्का है। इसकी वैल्यू आज की तारीख में लगभग 20 से 30 रुपए होगी। ये सारे सिक्के एकदम कॉमन में नहीं आते, ये थोड़े स्कैस माने जाते हैं क्योंकि ये इनिशियल ईयर्स में इशू किए गए थे, इसलिए ये ट्रायल्स पे इशू किए गए थे। तो इनकी जो क्वांटिटी बनी थी वो काफ़ी कम है क्योंकि उसके बाद जो डिज़ाइन था ये क्रॉस वाला, वो डिज़ाइन चेंज कर दिया गया था और नया सनराइज वाला डिज़ाइन इशू किया गया था। तो मैंने आपको बताया कि 2006 का जो सिक्का सबसे कॉमन है इन तीनों डेट्स में से, और फिर भी इसकी वैल्यू 20 से 30 रुपये यूएनसी कॉइन की है। अब जो अगला सिक्का जो इसके बाद थोड़ा सा महंगा है वो है 2007 का सिक्का। ये जो सिक्का है वो थोड़ा और स्कैर्स है 2006 से और इसकी लगभग वैल्यू होगी यूएनसी कंडीशन में 40 से 50 रुपये। आप सोच रहेंगे कि अगर आपको 10 रुपये का सिक्का मिले तो आपको ये क्रॉस वाले सिक्के जो है वो प्रिजर्व करने चाहिए क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम बनी है। लेकिन फिलहाल ये 2006 और 7 के सिक्के में बाय नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका स्टॉक पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इन तीनों में सबसे महंगे सिक्के की, वो है 2005 का ये क्रॉस कॉइन। ये है क्रॉस का डिज़ाइन और यहाँ पे डेट है 2005 नोएडा मिंट का। इन तीनों में सबसे रेयर और महंगा सिक्का ये है 2005 का।
अगर आपके पास 2005 का सिक्का है तो इसकी कीमत 100 से 150 रुपए तक है यूएनसी कंडीशन में, और ये वाला सिक्का मैं करेंटली बाय कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास सिक्का है 2005 का और अगर आपको बेचना है तो ये सिक्का मैं आपसे 100% खरीदूंगा। अब बात करते हैं दो ऐसे सिक्कों की जो कि इनसे पहले इशू किए गए थे लेकिन वो कभी सर्कुलेशन में नहीं आए थे। तो वो सिक्के हैं 2004 का ये क्रॉस कॉइन जो कि सेम पैटर्न में बनाया गया था, मगर ये एक पैटर्न इशू था। पैटर्न इशू का मतलब है कि ये एक पैटर्न बनाया गया था मगर अप्रूवल होते होते साल चेंज हो गया, इसलिए 2004 में सिक्के नहीं बने थे, लेकिन जो इनॉग्रल फंक्शन हुआ था उसमें 2004 का डेट का हमें सिक्का देखने को मिला था। दूसरा और एक पैटर्न कॉइन है, वो है ये एक मिसाइल की डिजाइन का, जिसे लोग कहते हैं कि ये एक ब्रह्मोस मिसाइल का जो सिंबल है वो यूज किया गया था, और ये भी एक पैटर्न कॉइन है। ये पैटर्न इसलिए है क्योंकि ये डिजाइन किसी ने प्रपोज किया था कि हम 10 रुपए के सिक्के इस डिजाइन में छापते हैं, मगर ये डिजाइन अप्रूव नहीं हुआ। जो अप्रूव हुआ था वो हुआ था ये क्रॉस वाले सिक्के का डिजाइन, इसीलिए 2005 से जो सर्कुलेशन के सिक्के चालू हुए थे उसमें हम ऐसे पैटर्न का सिक्का देखते हैं, यानी कि क्रॉस डिजाइन का सिक्का देखते हैं। और 2005 में उसकी मिंटेज लो थी, 2006 में थोड़ी ज़्यादा थी और 2007 में भी थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन क्रॉस वाले सिक्के नॉर्मल सिक्कों से थोड़ा प्रीमियम आपको दे सकते हैं। अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो आपको इन्हें संभाल के रखना चाहिए। और एक बार आपको फिर से बताता हूँ, अगर आपके पास ये 2005 का सिक्का है तो मैं इसका बायर हूँ। अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपसे ये वाले सिक्के 2005 के जरूर खरीदेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया 10 रुपए के क्रॉस कॉइन्स के बारे में जो कि 2005, 6 और 7 में सर्कुलेशन में आए थे और 2004 में दो पैटर्न कॉइन्स बनाए गए थे। मैंने इस वीडियो में आपको 2004 से लेके 2007 तक की सारी इंफॉर्मेशन दी है, इसके बाद भी काफी 10 रुपए के कॉइन इशू किए गए हैं जिसे हम फिर कभी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।